गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना था दोज हु आर प्लानिंग फॉर बीटेक। देखिए, अभी आप लोग के 12th के एग्जाम्स हुए हैं, रिजल्ट अवेटेड है, आने वाला है, और बच्चे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके बैठे हैं, साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बीटेक के लिए प्लान करेंगे। तो देखिए, बीटेक में बहुत सारे कोर्सेज हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना है। इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, कौन सी ब्रांच कितनी इंपॉर्टेंट है, किस ब्रांच में कितने रुपए का प्लेसमेंट होगा, फी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा बीटेक के लिए प्लान तो करता है बट बड़ा कंफ्यूज रहता है, सर कौन सी ब्रांच में चूज करूं, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियर। तो पता है ब्रांचेज इतनी सारी है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मेरा एरिया कौन सा है, मेरे को किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ये डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरे बारे में भी डिस्कस करूंगा और कॉलेजेस भी मैं बताऊंगा कि बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा जो बीटेक के अंदर ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेगा। अब देखिए देखिए, सबसे पहले अपन चलते हैं, इसमें जो ब्रांचेस दिखाई दे रही है आपको, कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, ये सारी ब्रांचेस मिलेंगी। इनके ऊपर भी अपन डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूं मैं, बेसिकली मैं एमबीए, बीबीए और बीकॉम, उसके अलावा साइंस की क्लासेस भी मैं लेता हूँ। साइंस में बीटेक में एक सब्जेक्ट आता है माफा, जिसको अपन बोलते हैं, अगर आप लोगों ने सुना हो, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, जो मैनेजमेंट से रिलेट करता है। बेसिकली मैं बहुत सारे कॉलेज में एज अ गेस्ट पढ़ाने जा रहा हूँ और ये माफा वाला सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, जिसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है। तो जो बीटेक का बच्चा है उसको कॉमर्स नहीं आती, बट उसको बीटेक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में सब्जेक्ट चाहे कोई भी ब्रांच ले लो, सब में पढ़ना पड़ता है। तो मैं बहुत सारे कॉलेज में एज अ गेस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं सब्जेक्ट, तो इसीलिए बीटेक का मेरे को थोड़ा डेप्थ नॉलेज हो गया। कॉलेज में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन सा कॉलेज क्या पढ़ा रहा है, कौन से कॉलेज में कितना प्लेसमेंट हो रहा है, कौन सा कॉलेज बेटर है कौन सा नहीं है, तो सारा डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। इसमें सिलेबस है, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, मार्केट, उसके बाद में आपका पूरा पूरा अकाउंट्स आ जाता है, रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो वगैरह आता है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद थोड़ा सा मेरे बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। बेसिकली मेरा क्लासेस है और मैं पढ़ाता भी हूँ, ये माफा सब्जेक्ट बीटेक वालों को पढ़ाता हूँ, बाकी एमबीए, बीबीए, बीकॉम वालों को भी पढ़ाता हूँ। बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो ये सब्जेक्ट उसमें मैच हो जाता है मेरा, ठीक है। इतना होने के बाद में देखिए, यहाँ पे आपको सारी की सारी में मेरा पूरा प्रोफाइल मिल जाएगा, ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, लिंक डाल दूंगा, वो डाउनलोड कर लेना आप। यहाँ पे पूरा मेरा जो 16 इयर्स का जर्नी है, फ्रॉम लास्ट 16 इयर्स आई एम वर्किंग एज अ गेस्ट फैकल्टी इन डिफरेंट कॉलेजेस, 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, उसका पूरा जर्नी मिलेगा। कुछ अगर बुक्स वगैरह माफा से रिलेटेड डाउनलोड करनी हो तो माफा की सारी बुक्स मिल जाएंगी जो बीटेक में आपको काम आने वाली है, ये सारी की सारी बुक्स आप लोग डाउनलोड कर लेना यहाँ से, ठीक है। ये सारा डिस्कशन तो हो गया। अब बच्चे कहते हैं कि सर बताओ क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी ब्रांच चूज कर रही है, किसमें कितना पैकेज लगेगा, उस ब्रांच में क्या मिलेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसको अपन क्लियर करते हैं। अब मैं यहां से एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला ब्रांच है और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इस पर जितने स्टार मार्क करने कर लो, कंप्यूटर साइंस। आज जो डिमांड में है ना, वो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस डिमांड में है। क्यों है, उसका रीजन क्या है, आज लॉकडाउन के बाद में सारी की सारी कंपनीज सॉफ्टवेयर पे आ गई, एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे आ गई। अब किसी भी कंपनी को चाहिए क्या है कि मेरे को ऐप डेवलप करनी है, गूगल है, फेसबुक है, विप्रो है, टीसीएस है, इंफोसिस है, सब लोग कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐप्स डिजाइन करना चाहते हैं। और आजकल जो ऐप बना लेता है, उसकी ऐप चल पड़ती है, तो वो पैसे वाला हो जाता है। आपने देख लिया होगा, उबर है, ओला है, ये भी एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसमें कंप्यूटर साइंस में क्या है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, गेम डेवलपर बन सकते हैं, नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। कंपनीज कौन कौन सी है इसकी, इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, गूगल, फिर बहुत सारी कंपनीज है जो सिलेक्टेड डाल रखी है मैंने। प्लेसमेंट 100% है इसमें, ये मान के चलो ब्रांच ही ऐसी कि जहां 100% प्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखो सैलरी की बात करें, 50,000 पर मंथ से स्टार्ट करोगे, वैसे तो आप इंटर्न रहोगे तब सैलरी कम मिलती है, बट एक दो साल के एक्सपीरियंस के बाद में सैलरी बढ़ जाती है और वो 5 लाख पर मंथ तक जाती है। अगर गूगल फेसबुक ले गए ना आपको, तो 8-9-10 लाख तक सैलरी देते हैं पर मंथ, बात कर रहा हूँ, एक महीने का सैलरी 10 लाख तक जाते हैं। तो प्लीज ये ब्रांच सबसे इंपॉर्टेंट है, डिमांडिंग है, कॉलेजेस में इसकी सीट नहीं मिलती है। तो अगर किसी कॉलेज में आपको सीएस ब्रांच का सीट नहीं मिल रहा है तो आप मेरे से बात कर लेना, मैं दिलवा दूंगा आप लोग को, क्योंकि मैं सारे कॉलेज में गेस्ट जा रहा हूँ और सारे कॉलेज की डायरेक्टर्स वगैरह मेरे को जानते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड, ये भी बड़ा डिमांडिंग है अभी इस टाइम पे, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसमें क्या है, मतलब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस है, ये रोबोटिक कॉन्सेप्ट है, जहां पे आप रोबोट डिजाइन कर रहे हो। अब रोबोट डिजाइन करना तो अलग चीज है, बट रोबोट को कमांड देना अलग चीज है।
भाई आप जो कोई खिलौना बना देते हैं, बट खिलौने की जो कमांड है, आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आपने कुछ एक खिलौना तैयार तो कर दिया, बट उसकी कमांड्स आप दे सके कि वो ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। आज जबरदस्त डिमांड है इसकी। गूगल, फेसबुक, विप्रो, आईबीएम, ये सारी की सारी कंपनीज हैं इसके अंदर। आप यहाँ पे मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, बिग डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बन सकते हैं, रोबोटिक इंजीनियर बन सकते हैं आप। सोचो पैकेज यहाँ बहुत बड़े हैं, 1.5 लाख से लेके 1 करोड़ तक का पैकेज आता है इसका। आप अगर इसका रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा 1 करोड़ तक का पैकेज आता है। तो थोड़ा सा इसको सीरियस लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला ब्रांच अगर आपको मिलता है जहां जब कॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस इस ब्रांच को देना। ये दोनों ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कंप्यूटर साइंस वाला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, ये आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर में अगर आप देखें तो बैंगलोर में बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी जो आईटी सेक्टर की है, ठीक है? इसमें आईटी में बैंक में लग सकते हैं, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फेसबुक वगैरह, आईटी एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर या सिस्टम इंजीनियर, प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो बेसिकली ये भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस से लिंक करता है। और दूसरा, इसका जो सैलरी है वो 50,000 से लेके 3 लाख तक जाता है, ठीक है? ये ऑप्शन भी बेटर है और लोग इस ऑप्शन को भी चूज कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपको यहाँ पर कहीं जाना है, ये ब्रांचेस लेनी है, कॉलेज चूज करना है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट दिखाई देगा मैकेनिकल इंजीनियर, ये ब्रांच भी बड़ी डिमांडिंग है। इस पे स्टार मार्क कर लो भैया, मैकेनिकल इंजीनियर ब्रांच बहुत डिमांडिंग है। बेसिकली यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकते हैं। किस तरीके से कार डिजाइन होती है, कार का इंजन कैसे वर्क करता है, कार के इंजन में कैसे डिजाइन करते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ सीखते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर, मैकेनिकल डिजाइनर, डेवलपर इंजीनियर, R&D। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सारी की सारी कार इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट हो रही है, तो वहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ऐसी कार बनाओ जो बेस्ट हो, माइलेज अच्छा निकाले, बैटरी से चले। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें BMW, होंडा, सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज है वहां आपकी जॉब लग सकती है। मैकेनिकल इंजीनियर में अगर आपको इंटरेस्ट है, मतलब कार्स में, डिजाइनिंग में, टू व्हीलर फोर व्हीलर में इंटरेस्ट है आपको, तो आप इसमें जा सकते हैं। पैकेज बहुत अच्छे हैं इसके, पर मंथ 80,000 से 5 लाख तक का। बट बच्चे बोलते हैं पैकेज कब मिलेंगे? आपका बीटेक होने के बाद, 2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद में आपको ये पैकेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे। बट कम से कम 2 साल तो लगेंगे, तब उस लेवल के पैकेज पे आप पहुंच जाओगे। एज अ ट्रेनिंग ये पैकेज नहीं है, पर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में ऐसे पैकेजेस आपको मिलने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिखाई देगा आपको, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि सर वो जो इलेक्ट्रिशियन बन जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रिशियन नहीं बनेगा। यहाँ पर बेसिकली सर्किट बोर्ड, अगर आपने देखा है किसी भी लैपटॉप को या डेस्कटॉप को या किसी को भी खोलोगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खोलोगे तो सर्किट बोर्ड होता है। तो सर्किट बोर्ड कैसे बनता है वो डिजाइन करना सिखाते हैं। बहुत टेक्निकल गेम है ये, तो इसका भी डिमांड है, बट जो CS वाला डिमांड है उतना नहीं रहता। एक तरीके से हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट आ गया, और वो जो CS वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें आप लोग इलेक्ट्रिक मैनेजर बन सकते हैं, उसके बाद में वाटर ट्रीटमेंट के लिए ये सब हो जाएगा। इसमें रेलवे में, बैंक्स में, हॉस्पिटल में यहाँ जॉब लग सकती है। 35,000 से 1 लाख तक का पैकेज इसमें मिल जाता है। फिर नेक्स्ट आपका है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। अब ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देखेंगे ना, तो इसके अंदर कम्युनिकेशन वाला पार्ट देखो आप। कम्युनिकेशन वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज है, भारती एयरटेल, BSNL, वोडाफोन, रिलायंस, MTNL, तो यहाँ पर ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। बेसिकली आपने देखा होगा टावर लगते हैं बड़े बड़े, ठीक है? तो टावर सेट कैसे होगा, ये सारा का सारा हम ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स करते हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियर्स करते हैं। इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो गया, टेक्नीशियंस हो गया, नेटवर्क प्रोग्रामर हो गया, सर्विस इंजीनियर हो गया, ये वाली जॉब्स आपको लग सकती है। तो यहाँ भी पैकेज 50,000 से 1 लाख पर मंथ तक जाता है, बट 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद जाएंगे सारे पैकेजेस। एक ये सिविल वाला है, ठीक है? इसके अंदर भी जॉब्स होती हैं। कुछ कॉलेजेस इसको रखते हैं ऑप्शन को, कुछ कॉलेजेस सिविल वाला ऑप्शन नहीं रखते हैं क्योंकि इतना डिमांडिंग नहीं है अभी मार्केट में। अब सिविल के अंदर क्या है, बेसिकली यहाँ पर आप डिजाइनर बन सकते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं साइट डिजाइनर, रोड कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल डायरेक्टर। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां पर कोई रोड बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, ब्रिज बनानी है, तो वहां सिविल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। लार्सन एंड टूब्रो हो गया, टाटा प्रोजेक्ट्स हो गए, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है ना, वो सारी की सारी कंपनीज ऐसे लोगों को रखती है। 50,000 से 1 लाख तक पर मंथ का पैकेज जाता है इसमें। तो देखो सारी की सारी ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है, बट कुछ ब्रांचेस है जिनके डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो आप फोकस उन पे करना। दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोग को, देखिए पैकेजेस तो देखो ही देखो, बट उसके साथ ये देखो कि डिमांड किस में ज्यादा है, क्योंकि आप पैकेज तो देख लेते हो, डिमांड ही नहीं है तो आपको मार्केट में जॉब मिलने में मुश्किल आती है।
कॉलेजेस का जो फी स्ट्रक्चर है ये मान के चलो 70,000 मान लो, मैक्सिमम 75,000 पर एनम बता रहा हूँ। इससे ज्यादा अगर कॉलेज में आप बीटेक का फीस दे रहे हो तो बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम फीस 75,000, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, कॉलेज अगर आपको सर्च कर रहे हो तो मैं इंडिया लेवल पे आपको सारे कॉलेजेस बता दूंगा, बेस्ट कॉलेज कौन से कम फीस में विद 100% प्लेसमेंट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 100% प्लेसमेंट। तो अगर किसी बच्चे को किसी कॉलेज की रिक्वायरमेंट हो, मेरा नंबर है 7737733360, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर मान लो मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि आधे टाइम में क्लास में रहता हूँ, तो आप मेरे को व्हाट्सएप डाल के छोड़ दो, जैसे ही मैं क्लास फ्री करता हूँ व्हाट्सएप पे दिखूंगा, आप अपना नेम, अपना नंबर, कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सा कोर्स आपको करना है डाल के छोड़ दो, मैं आपको रिटर्न में आपको कॉल कर लूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करना बीटेक का, और अच्छा कॉलेज चूज करना जहां आपका प्लेसमेंट वगैरह लग जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।